बल्दियाती एक्ट का खात्मा, सेक्रेटरी बल्दियात असद रहमान गिलानी का तबादला मुअम्मा बन गया। 50,000 पेंशनर्स और 60,000 मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 5 अरब रुपए जारी ना हो सके। फाइनेंस अफसरान के पास दस्तखत करने के इख्तियारात ना होने से फंड्स की अदायगियां रुक गई हैं। 10 रोज़ कबल 2019 का कानून फाल होने के बावजूद अफसरान को नए अहदों के अहकामात जारी ना हुए। महकमा बल्दियात पंजाब की अनोखी मंदक, बल्दियाती एक्ट का खात्मा, सेक्रेटरी बल्दियात असद रहमान गिलानी का तबादला मुअम्मा बन गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस सारे मामले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए तो महकमा बल्दियात पंजाब में बल्दियाती एक्ट 2021 को खत्म कर दिया गया था और सेक्रेटरी बल्दियात असद रहमान गिलानी जिनका तबादला करते हुए पंजाब से फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उनको रिपोर्ट करने के काम जारी किए गए थे, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब जो है असद रहमान गिलानी उनको ताहाल रिलीज ना किया जा सका और नए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब से भी इकदाम जारी ना किए गए, जिसकी वजह से मुतसिब मामला जो है वो ताकि का शिकार हो चुके हैं। 36 जिला के 1,10,000 मुलाजमी पेंशन और तनख्वाहों से महरूम है। सूबे के पेंशन और मुलाजमीन को अदायगियों की मद में 5 अरब रुपए जो कि जारी किए जाते हैं वो ताहाल जारी ना हो सके और सूबे के सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब 7 रोज से अहदे पर ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मामला जो है वो पेंडिंग चले जा रहे हैं। सीट खाली होने से 2019 के मुताबिक अफसरान को नए अहदे जो है वो अलॉट होने से वो भी नए अहदे तफवीज ना किए जा सके। नए ऑर्डर जारी ना होने से तनख्वाह और पेंशन के फंड रोक दिए गए और 2019 के मुताबिक नए ऑर्डर ना होने से मुकामी हुकूमतों के अफसरान में जो है वो शदीद जो है वो परेशानी का शिकार है। 10 रोज कबल बल्दियाती एक्ट 2019 का कानून लागू किया गया था, जिसकी बाकायदा वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी थी और उसके बाद फौरी तौर पर ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि तमाम तर मामला जो है वो तफ्तीश कर दिए जाए, इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाए, लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से लाहौर के अगर देखा जाए तो बस में लाहौर के 50,000 पेंशनर्स हैं और 60,000 मुलाजमीन हैं जिसको तनख्वाहों की मद में 5 अरब से जायद जो है वो पैसे जारी होने थे, लेकिन अभी तक पैसे जारी नहीं हो सके। अब ये मामला जो है गुज़श्ता रोज ही वज़ीर आला पंजाब के सामने रखा गया, उसकी कोशिश की गई थी कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी बल्दियात की तैनाती कर दी जाए। पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी बल्दियात की जो है वो तबादला नहीं करना चाहती, लेकिन उनका सबसे पहले तबादला कर दिया गया है और उनको ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि पंजाब से फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिपोर्ट करें, जिसके वजह से वो वहाँ रिपोर्ट करने की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि वो पंजाब से तबादला करवा के वफाक चले जाएं, लेकिन पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि वो यहाँ से रिलीव हो सके, जिसकी वजह से जो मुकामी हुकूमतों के हुकूमत ये दावा करती थी कि मुकामी हुकूमतों के मामला देख के आएंगे, सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा, 2019 वाला कानून बरामद किया जाएगा, वो ऑर्डर तो कर दिए, नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन जिन्होंने काम करना है, जिसके बरहरास उनका ताल्लुक है, जो मुलाजमीन है, अगर उनको तनख्वाही नहीं मिलेगी तो वो एक शदीद जो है वो परेशानी वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसी मामले पर वजीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी ऑर्डर दिए थे और ये मामला फिलहाल जो है वो वजीर आला ऑफिस चीफ सेक्रेटरी ऑफिस यहाँ तक ही मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा और मुलाजमीन और पेंशनर्स जो है वो शदीद परेशान है इस महंगाई के दौर में। उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन मामलों को बेहतर बनाया जाए और इससे बेहतर बनाने से जो मुकामी जो बल्दियात के मामला थे वो निचले सतह पर जो मुंतकिल होने हैं उसके हवाले से जो ऑर्डर जारी होने हैं उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बड़ी पेशरफ्ती सामने आई। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।